हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवांग भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मुगल साम्राज्य से संबंधित है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स और आगे जो आपका जेई एग्जाम्स आने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मुगल साम्राज्य के 50 प्रश्नों को मैं बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सारे प्रश्न जरूर देखिएगा, क्योंकि कौन सा प्रश्न कब आ जाए कोई क्लियर नहीं कहा जा सकता है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी ऐसी ही वीडियोज आती रहेंगे। चलिए शुरू करता हूँ नंबर एक से। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी थी? 27 अप्रैल 1526 को। दो नंबर है, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तीन नंबर है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया गया था। चार नंबर है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, इसमें राणा सांगा पराजित हुए थे। पांच नंबर है, घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, इसमें बाबर की जीत हुई थी। ये बाबर का आखिरी युद्ध हुआ था। 5 मई 1529 को जो बाबर ने युद्ध लड़ा था बहलोल महमूद लोदी के साथ, वो बाबर का अंतिम युद्ध था जिसे बाबर ने जीता था। इसलिए आगे छह नंबर है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी या बाबरनामा में लिखी, जिसमें उसने दो हिंदू राज्यों विजयनगर व मेवाड़ का उल्लेख किया है। सात नंबर है, 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेर शाह से हुमायूं को पराजित होना पड़ा था। बाबर का पुत्र था हुमायूं, जिसे 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेर शाह से पराजित होना पड़ा था। आठ नंबर है, 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होकर निर्वासित जीवन जीने के लिए भटकना पड़ा। 9 नंबर, 22 जून 1555 को सर हिंद युद्ध विजय के बाद हुमायूं फिर से राजगद्दी पर बैठा था। 1540 ईस्वी में हार कर निर्वासित जीवन जीने के लिए चला गया था। उसके बाद पुनः 1555 में जब सर हिंद युद्ध का हुआ था, उसमें विजय प्राप्त कर फिर से गद्दी पर बैठा था। 10 नंबर है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं का मकबरा का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में कराया। 11 नंबर है, शेर शाह का मकबरा बिहार के शाहबाद के सासाराम नामक स्थान पर तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। आगे 12 नंबर है, कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। 13 नंबर, अकबर ने सर्वप्रथम कच्छवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 14 नंबर है, दुर्गावती गोंडवाना हिंदू राज्य की योग्य शासिका थीं। अकबर के आक्रमण जो कि 1564 ईस्वी में हुआ था, उसमें शत्रुओं से घिर जाने पर वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 15 नंबर है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। 16 नंबर, अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था। 17 नंबर है, अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर व 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। आगे 18 नंबर है, अकबर ने 1573 में घोड़े दागने की प्रथा तथा शासन के 11वें वर्ष 1574-75 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। 19 नंबर, अकबर ने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाल जो कि टोजरमल बंदोबस्त भी कहलाया,
नामक नई कर प्रणाली शुरू की थी, क्योंकि ये टोजरमल की प्रणाली थी, टोजरमल के विचारों पर स्थित थी, इसलिए इसे टोजरमल बंदोबस्त भी कहा गया। 20 तारीख है, 20वां टॉपिक है आपका, जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान-ए-मजाहिब में पहली बार दीन-ए-इलाही का स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया। 21 नंबर, अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। 22 नंबर है, अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूनी तथा फैजी ने किया। 23 नंबर है, बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। 24 नंबर है, मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। 25 नंबर है, राल्फ फिंच जो कि 1583 से 1586 ईस्वी के बीच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। 26 नंबर है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की व्यवस्था की, इबादत खाने की स्थापना की। 27 नंबर, आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का 22 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। 28 नंबर है, 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। आगे 29 नंबर है, विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का भेजा गया राजदूत तथा मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। 30 नंबर, पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। 31 नंबर है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुके जहांगीरी रखा। 32 नंबर, एतमाद-दौला का मकबरा नूर जहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया। 33 नंबर है, 5 फरवरी 1592 को लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था तथा 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ जो मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। 34 नंबर है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शहजादे दारा सिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत कराया। दारा को लघु अकबर भी कहा जाता था, ये अपनी उदारता के कारण लघु अकबर कहलाए। 35 नंबर है, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य उज्जैन के धर्मत नामक स्थान पर युद्ध हुआ। 36 नंबर, औरंगजेब ने बीजापुर 1686 व गोलकुंडा 1687 में आधिपत्य किया। 37 नंबर है, औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद-दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के मध्य कराया जो बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। 38 नंबर है, पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत में लाया गया था। 39 नंबर है, अकबर द्वारा राम सीता की आकृति व राम सीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए। 40 नंबर है, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया तथा जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 41 नंबर है, अकबर के शासनकाल में तानसेन और स्वामी हरदास प्रमुख द्रुपद गायक थे। 42 नंबर है, अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार था, उसने अपनी पुस्तक बादशाहनामा में शाहजहांकालीन इतिहास का वर्णन किया है। 43 नंबर है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद
उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम जिसे शाह आलम कहते हैं ने बहादुर शाह जफर प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। 44 नंबर है, मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक व शिकस्त लिखने में निपुण था, ये फारसी लिपियां हैं। 45 नंबर है, शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह जो कि 1719 से 1748 ईस्वी था। 46 नंबर, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। 47 नंबर है, चौथे सिख गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान में दी थी। 48 नंबर है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1784 ईस्वी में चिन किलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। 49 नंबर है, सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों को छह गुरुओं अनेक हिंदू भक्तों सिखों के छह गुरुओं अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर नामदेव और रैदास के उपदेश समाहित हैं। इस वीडियो का 50वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था तथा सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नादेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार ने हत्या कर दी थी। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हुए मुगल साम्राज्य के। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मराठा साम्राज्य के बारे में, तो आगे की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली हैं। उनके साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रह सके। बाकी वीडियो के बारे में कुछ बताना हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।